सुपर फास्ट में मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन में आपको खबरें दिखाएंगे सुपर फास्ट अंदाज से, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल प्रदेश चुनाव समिति में कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग गोविंद डोटासरा समेत 5 जाट नेता शामिल। रामलाल जाट, लालचंद कटारिया, रामेश्वर डूडी, हरीश चौधरी शामिल। गुर्जर समाज से आने वाले 4 नेता शामिल। सचिन पायलट, धीरज गुर्जर, शकुंतला रावत, अशोक चांदना शामिल। अनुसूचित जाति से 4 नेता, भजन लाल जाटा, गोविंद राम मेघवाल, ममता भूपेश, नीरज डांगी शामिल। अनुसूचित जनजाति से रमेश मीणा, मुरारी लाल मीणा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रघुवीर मीणा शामिल। 2 मुस्लिम चेहरे में शाले मोहम्मद और जुबैर खान का नाम। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, क्या जानकारी मिल रही है? को सभी स्टेक होल्डर्स को साधा जाए, ऐसा इसलिए जिससे कि उन वर्गों के भीतर यह भाव जगे कि पार्टी उनको प्रतिनिधित्व दे रही है और अपनी पॉलिसीज, अपनी नीतियों को, अपने प्रचार अभियान को, अपनी बातों को उन वर्गों के भीतर पहुंचाने का भी कांग्रेस इस तरीके से आसान जरिया देखती है। और यही कारण है कि चाहे जाट समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, ओबीसी हो, महिला वर्ग, अल्पसंख्यक, सभी वर्गों को यहाँ प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। हालांकि यह बात सही है कि इसमें 2 प्रमुख नाम जो शांति धारीवाल और महेश जोशी कैबिनेट मंत्री हैं गहलोत सरकार में, उनके नाम नहीं है, लेकिन उनके नामों की गैर मौजूदगी को अनुशासन समिति के मामले से जोड़ा उसके देखा जा रहा है। उन दोनों का ही मामला अनुशासन समिति के पास में पेंडिंग है। हालांकि एसटी वर्ग से आने वाले सीताराम जुली का नाम भी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन अलवर जिले से 3 प्रमुख चेहरे इसमें शामिल हैं, जिसमें जुबैर खां मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, साथ में शकुंतला रावत और जितेंद्र सिंह का नाम इसमें शामिल है। और कुल मिलाकर के इस कमेटी को एक ऐसी शक्ल देने की कोशिश की गई है कि सभी वर्गों को साधने का मैसेज जाए और सभी वर्गों को साथ में लेकर के चलने का मैसेज इस कमेटी के जरिए पार्टी ने देने की कोशिश की है। साथ में गुर्जर समाज से आने वाले, गुर्जर जाति से आने वाले जो नेता हैं उनको भी इसमें जगह दी गई है। 4 ऐसे नाम हैं जिनमें शकुंतला रावत का नाम शामिल है, सचिन पायलट हैं, नीरज गुर्जर हैं और साथ में अशोक चांदना है। तो वहीं अनुसूचित जाति से आने वालों में मंत्री भजनलाल जाटव का नाम शामिल है, ममता भूपेश है इसमें प्रमुख चेहरा, गोविंद राम मेघवाल एससी वर्ग का बड़ा चेहरा है। अगर एसटी सबकी की बात करें तो मुरारी लाल मीणा जो दौसा की सामान्य सीट से जीत करके आते हैं वो प्रमुख नाम है। साथ में आप देखिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय का नाम है, रघुवीर मीणा का नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो सभी वर्गों को रमेश मीणा का नाम इस लिस्ट में शामिल है, सभी को साधने की कोशिश की है। महिलाओं के तौर पर शकुंतला रावत, ममता भूपेश दोनों को देखा जा सकता है और अल्पसंख्यक प्रतिनिधि के रूप में जुबैर खान और साले मोहम्मद को देखा जा सकता है। साथ में रघु शर्मा जो सामान्य वर्ग प्रतिनिधित्व करते हैं, इसी तरह प्रताप सिंह खाचरियावास और जितेंद्र सिंह जो अलवर से आते हैं, राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं एआईसीसी के, वो सामान्य वर्ग करते हैं। ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के मामले में भी पार्टी यहाँ पीछे नहीं दिखाई दी। सुखराम बिश्नोई का नाम इसमें शामिल है, सांचौर की सीट से आते हैं। सांचौर को जिला भी बनाने का ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने भाषण में किया था जब वो बजट पर जवाब दे रहे थे बैठक का। और इसी तरीके से आप देखिए कि राजेंद्र यादव जो ओबीसी की बड़ी जातियों में अगर आप देखें तो जाट समाज के साथ में यादव, गुर्जर, बिश्नोई ये वर्ग हैं। तो साथ में कलवी समाज से आने वाले उदयलाल आंजना को इसमें जगह दी गई है। ललित तोनवाल है जो कुमाऊं समाज से आते हैं, उनको इस लिस्ट में जगह मिली है। तो एक समायोजन बेहतर सोशल इंजीनियरिंग का करने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर शशि जी ये देखा जा रहा है कि एक सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा गया, सभी वर्ग को जो है एक तरह से साधने की कोशिश की गई है और पूरी तरह से जो सामंजस्य बैठाया गया है। जी खुशबू, सही कहा। तो ऐसे में जो है ये जो अगर बात की जाए प्रदेश चुनाव समिति में जो कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग देखी गई है, इससे कितना जो है इफेक्ट पड़ेगा चुनाव के दौरान? खुशबू, हर किसी का अपना आकलन होता है, राजनीतिक संभावनाओं का खेल होती है।
और संभावना इस बात की तलाशी जाती है कि किस तरीके से सभी वर्गों को मैसेज दिया जा सकता है। उन संभावनाओं के ऊपर कोई वर्ग, कोई नेता, कोई पार्टी कितना खरा उतरती है, उसका मैसेज लोगों के मन में, दिमाग में कितनी मजबूती से स्थापित होता है, उन्हीं चीजों के ऊपर निर्भर करता है कि इसका फायदा कितना मिलेगा। हालांकि ये नेता जो इस लिस्ट में आए हैं सभी अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय दिखते हैं और उनकी पकड़ अलग अलग तरीके से समझी जाती है, अलग अलग इनका कौशल है अपने अपने क्षेत्र में, तो इसका प्रयास पार्टी करेगी कि फायदा लिया जाए। और देखिए, कोशिश हर कोई करता है, जिस तरीके से स्टूडेंट किसी भी भर्ती परीक्षा में या किसी भी कक्षा की परीक्षा में पास होने के लिए कोशिश पूरी करता है, लेकिन रिजल्ट उसी पर निर्भर करता है कि दूसरे जो कॉम्पिटिटर थे उनकी कोशिश कितनी कामयाब रही और कितनी कमजोर रही। बिल्कुल, ये कोशिश तो रहती है, लेकिन शशि क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं, ये जो नाम सामने आए हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग बैठाई गई है, इनका कितना प्रभाव देखा जा रहा है आज के वक्त में? देखिए, इन सभी का प्रभाव देखा जा रहा है, माना जा रहा है, और प्रभाव पार्टी भी मानती है, इसीलिए तो इन लोगों को जगह मिली, वरना पार्टी में और भी नेता हैं, और भी विधायक हैं, मंत्री परिषद में और लोग शामिल हैं, 17 मंत्री हैं इस पूरी कमेटी में, मुख्यमंत्री समेत 17 ऐसे चेहरे हैं जो मंत्री परिषद में शामिल हैं, उनको जोड़ा गया है, लेकिन प्रदेश की जो मंत्री परिषद है उसमें कुल 30 है, इसका मतलब 12 एब्सेंट भी है, जिसमें बीडी कल्ला है, हेमाराम चौधरी है, सुभाष गर्ग है, हालांकि सुभाष गर्ग राष्ट्रीय लोकदल से आते हैं, उनका इसमें सीधे तौर पर शामिल होने का कोई प्रश्न भी नहीं था, लेकिन ये जो नाम बचे हैं वो नाम दूसरी लिस्ट में एडजस्ट किए जाएंगे ऐसा माना जा रहा है। घोषणा पत्र समिति बनेगी, अभी इलेक्शन कैंपेन कमेटी बनेगी, जो प्रचार अभियान का जिम्मा मुख्य तौर पर संभालती है, उसको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में माना जाता है, लेकिन इस लिस्ट से एक बात जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये साफ हो गया है कि प्रत्याशी जो कांग्रेस के होंगे उनके सिंबल पर दस्तखत गोविंद डोटासरा के होंगे और उनको चेयरमैन बनाया गया है इस कमेटी। ठीक है, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच